हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल करो पर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर किसी का स्टेट बैंक में अकाउंट है और उसकी किसी कारणवश अचानक से डेथ हो जाती है और उसने अपने अकाउंट में नॉमिनी किया हुआ था, किसी को नॉमिनी बनाया हुआ था, तो उस केस में जो नॉमिनी के थ्रू हमें पैसा लेना है तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए, ये बात हो गई नॉमिनी अगर किया हुआ है तो, और अगर उसने अकाउंट में अपने नॉमिनी नहीं दिया हुआ था तो उस केस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो जस्ट इससे पहले आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आपको देखना होगा। उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, तो उन सब चीज़ों का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी होंगी, तो उस वीडियो के जरिए आप वो सब देख सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि नॉमिनी के केस में हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। देखिए, नॉमिनी का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। अगर आपने नॉमिनी दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा बैंक में मतलब ना तो चक्कर लगाने की ज़रूरत है और ना ही उसकी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा फॉर्म है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है नॉमिनी क्लेम फॉर्म। इसके थ्रू आप इसको फिलअप करेंगे प्रॉपर, और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ है उनको कम्प्लीट करने के बाद बैंक में सबमिट कर देंगे। तो देखिए, मैं बताता हूँ एक एक करके आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ इसको अपनानी होंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं चेक लिस्ट पर। चेक लिस्ट मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके बैंक में सबमिट करने होंगे इस फॉर्म के साथ में। तो देखिए, सबसे नीचे इसी पेज पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके इस फॉर्म के साथ एनक्लोज करने होंगे। देखिए, सबसे पहला जैसे कि पासबुक, FD TDR मतलब FD इन ओरिजिनल, मतलब अकाउंट होल्डर की पासबुक या FD कोई भी है तो आपको इसके साथ इंक्लूज करनी होगी। दूसरा है चेकबुक अगर है तो वो भी आपको देना होगा, ATM कार्ड है तो वो भी आपको देना होगा। चौथा है डेथ सर्टिफिकेट, डिसीज का डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिल जाएगा या फिर आपको हॉस्पिटल से भी मिल जाता है जहाँ डेथ होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आप इशू करवा सकते हैं इसको। फिफ्थ वन है नॉमिनेशन रिसीट। नॉमिनेशन रिसीट वो है कि ये एक प्रूफ होता है कि बैंक में डिसीज बंदे ने किसी को नॉमिनी किया हुआ था, किसी को नॉमिनेट किया हुआ था, तो वो रिसीट आपको बैंक से मिल जाएगी, बैंक ऑफिशियल जो भी होगा वो आपको इस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ द नॉमिनी शोइंग रिलेशनशिप विद द डिसीज। देखिए, आपको कोई ऐसी आईडी आप वहाँ पे प्रोड्यूस करनी होगी जिसमें आपका रिलेशन डिसीज के साथ इस्टेब्लिश हो जाए। जैसे कि वाइफ है, अगर वाइफ हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ अपना आधार कार्ड सबमिट कर सकती है, उसमें हस्बैंड का नाम होता है, तो इससे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है। और किसी केस में भी आपको उसी तरीके का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा जिससे आपकी डिसीज के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। और लास्ट वन है आपका एड्रेस प्रूफ ऑफ द नॉमिनी। आप अपना एड्रेस प्रूफ में जैसे कि आधार है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चार पांच डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस फॉर्म के साथ कलेक्ट करके सबमिट करने होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, देखिए हमको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखिए, फर्स्ट पेज है ये आपका, ठीक है। फर्स्ट पेज में देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले चीफ मैनेजर ऑब्लिक ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस जिस ब्रांच में आप इसको सबमिट कर रहे हैं, इट मीन्स जहाँ पर डिसीज का अकाउंट था वहीं पर ये सबमिट होगा डॉक्यूमेंटेशन। राइट साइड में है फोटो ऑफ नॉमिनी, यहाँ पर जो नॉमिनी है उसका फोटो लगेगा, ठीक है। आगे आप भर देंगे, देखिए आगे जो आप खुद से ही अगर जब पढ़ेंगे इसको तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, ये कोई ज़्यादा टफ फॉर्म नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, क्लेम एज नॉमिनी फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंसेज इन द SBRD, जो भी अकाउंट है आपका उस पर टिक कर देंगे और यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे जिनकी डेथ हुई है। आगे देखिए आई मतलब नॉमिनी का यहाँ पे नाम आ जाएगा और आगे लिख देंगे लेट के सामने उनका नाम जिनकी डेथ हुई है। इसी तरीके से आप डेट डाल देंगे, डेट ऑफ डेथ डाल देंगे यहाँ पर पे। फिर आगे नेक्स्ट कॉलम में आइए, देखिए नेचर ऑफ डिपॉजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट जैसे कि सेविंग बैंक है, करंट अकाउंट है, उसका फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे। आगे अकाउंट नंबर लिख देंगे, अमाउंट आप मत लिखिएगा, जो भी अमाउंट आपका फाइनल सेटलमेंट होगा वो अमाउंट यहाँ पर बैंक खुद से पुट कर देगा। उससे आगे बढ़ेंगे आप तो आपको देखिए लास्ट में आई हैव एनक्लोज द डॉक्यूमेंट्स मेंशनड बिलो फॉर योर पर्सनल एंड सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी है कि कैसे कैसे आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और कहाँ कैसे कैसे आपको ये कलेक्ट करके सबमिट करना है। लेफ्ट साइड में ही योर्स फेथफुली के नीचे जो नॉमिनी है वो सिग्नेचर कर देंगे आपने अपने,
और नीचे अपना डेट डाल देंगे जिस दिन आप ये एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है बैंक में। उससे आगे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर है एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस पुट करना है आपको, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर लिखना है नॉमिनी का, और उनका स्टेट बैंक में जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए अकाउंट अगर आपका है तो बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है, बैंक आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर देता है। और इन केस अगर आप अकाउंट नहीं रखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर डीडी भी मिल सकता है, तो उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन देना होता है, वो बैंक से आपको मिल जाता है, फॉर्मेटेड एप्लीकेशन होता है कि हमारे नाम में डीडी इशू कर दिया जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट में अपने ये अमाउंट ले सकते हैं। तो देखिए राइट साइड में है विटनेस वन एंड विटनेस टू। यहाँ पर स्टेट बैंक के कोई भी दो बंदे, कोई भी दो कैंडिडेट होंगे जो आपका विटनेस का काम करेंगे, उनका स्टेट बैंक में कहीं भी अकाउंट हो सकता है, उनको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा और अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा। ये सिग्नेचर वेरीफाई करता है बैंक का ऑफिशियल, और ये सिग्नेचर बैंक ऑफिशियल की प्रेजेंस में ही होते हैं। इट मीन्स के जो विटनेस हैं उनको एक बार बैंक में विजिट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनको एक बार विजिट जरूर करा लीजिएगा, और उनका जो सिग्नेचर है वो ऑफिशियल के सामने वेरीफाई करा लीजिएगा, ठीक है। उससे आगे देखिए आप, फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आपको बिल्कुल नहीं टच करना है, इससे आगे आप बढ़ते रहेंगे। लास्ट में है आपका रिसीट करके, यहाँ पर देखिए रिवेन्यू स्टैंप लगा हुआ है, लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक रसीदी टिकट जो पोस्ट ऑफिस से मिलता है इसको लगा करके क्रॉस सिग्नेचर उस पर कर देना है। फिर राइट साइड में देखिए आप सिग्नेचर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको नॉमिनी के सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी नॉमिनी को सिग्नेचर करने हैं, अपना नीचे नाम और एड्रेस लिख देना है। तो इस तरीके से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और ये बैंक में आप सबमिट कर सकते हैं, और बैंक में सबमिट करने के बाद एक से दो दिन के अंदर ये आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से घर बैठकर इस वीडियो को देखकर आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं और बैंक में जाकर एक ही विजिट में अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।